Process, which means कि हमारे पास जब भी न्यू डी एन बनता है जब भी डी एन होती है तो हमारे पास जो डॉटर डी होती ए हैं जो तो तो दो डीएनए के न्यू स्ट्रेंड बनते हैं अपन एवरिकेशन उनमें से um, हमारे पास जो एक नया डी एन बनता है उसमें से वन पैरेंटल यानी न्यू मोलिक्यूल में एक पार्ट पुराने मॉलिक्यूल्स से आता है और दूसरा जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के फिनोमेना पे फे चलता है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेप्थ्स कि हमारे पास एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन में हो क्या रहा होता है सो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट वी हैव अंडरस्टूड कि हमारे पास डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इट इज बेसिकली व्हाट इट इज बेसिकली अ हेलिकल स्ट्रक्चर ठीक है हेलिकल का स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब इट्स अ ब्रेडेड इट्स अ वूंडेड टुगेदर स्ट्रक्चर लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ यू देन हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके बीच में है हाइड्रोजन बॉन्ड्स जिसकी वजह से एक डीएनए मॉलिक्यूल के जो दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड इंटरलिंक्ड हैं वेदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बेसिस

एक लीनियर डीएनए होता हेलिकल स्ट्रक्चर ना होता है तो हमारे पास एंजाइम का जो अटैक है ना वो बहुत इजी हो जाता है एंजाइम किसी भी एंड से आकर किसी भी पॉइंट पे आकर डीएनए को कट कर सकती थी उसको अटैक कर सकती थी उसको डैमेज कर सकती थी जब हमारे पास एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर तो होता ही है कि हमारे पास एंड्स जो हैं वो एक ये एंड है एक ये एंड है सो so, अगर एंजाइम को अटैक करना भी है तो वो खाली एंड से आकर अटैक कर सकती है so, सो रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहले तो जो मेरे दोनों स्ट्रैंड हैं मुझे उनको क्या करना पड़ेगा मुझे उनको सेपरेट करना पड़ेगा यानी उनका जो तो बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं यहाँ पर जो मेरे हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे which would BE HOLDING TOGETHER THESE DNA TOGETHER ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स मेरे पास वीक बॉन्ड्स होंगे बिकॉज वी अंडरस्टूड कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं वो बेसिकली कौन से होते हैं वो हमारे कोवोलेंट या आयोनिक बॉन्ड होते हैं अदरवाइज द रिमेनिंग हमारे जो डायपोल बॉन्ड्स होते हैं या जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं दे आर वीक बॉन्ड्स तो हमारे लिए रिलेटिवली आसान होता है जो वीक बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना सो वट हैपन्ज दैट हमारे पास जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसको हम क्या कर देते हैं हम उसको कर देते हैं अनजिप या फिर हम उसको अनवाइन कर देते हैं लेट मी द अदर वे। दिस इज़ योर डीएनए मॉलिक्यूल ये कंटिन्यूड है इस तरह से से ये बीच से क्या हो गया ये हमारा अनजिप हो गया है या अनवाइंड हो गया है सही है सही ना हमने एक और चीज भी अंडरस्टैंड की थी कि हमारे पास जो तो दो स्ट्रैंड होते हैं यहाँ पे हमारे क्या दिस इज वन स्ट्रैंड एंड दिस इज योर अदर स्ट्रैंड राइट हमारे पास डीएनए के जो तो दो स्ट्रैंड होते हैं वो क्या होते हैं वो एंटाइ पैरल होता है एंड आई एंटाइपैर का क्या मतलब है कि हैं तो वो एक दूसरे के पैरल है, है, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है एक हमारे पास जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा प्राइम प्राइम टू ठीक है और दूसरा जो हमारे पास स्ट्रैंड होगा उसकी डायरेक्शन होगी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम दिस इज वॉट एंटाइपैरल डीएनए स्टैंड मी ठीक है अब हमारे पास ऑब्वियसली पहले तो इनमें पेयर हुए हुए होंगे लेकिन अभी हमने इनको अनजिप कर दिया इनकी जिप खोल दिया और अनजिप कैसे करते हैं हम अनजिप हम करते हैं कि बीच में जो तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं विच आर होल्डिंग टूगेदर और इंटरकनेक्टिंग दीज टू स्टैंड हमने वो ब्रेक कर दिया इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जो तो ब्रेक करता है और डी एन ए मोलिक्यूल को दे फॉर अन वाइन करता है अनजिप करता है उसके लिए एक एंजाइम होती है जिसको हम कहते हैं डी एन एलिकेज ज डीएनए हेलीकेस, हेलीकेस डीएनए एंड योर डीएनए मॉलिक्यूल बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स। ओके नाउ व्हाट एल्स हैपेंस? है अब हमारे पास ये जो एक स्ट्रैंड है ये हमारा एक टेम्पलेट स्ट्रैंड बन गया अब इसके साथ एक एक नया नया डीएनए डीएनए स्ट्रैंड 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 सिंथेसाइज होगा होगा वो वो कैसे कैसे जस्ट हैव अ लुक एट इट और ये हमारे पास दूसरा बन गया इसका भी एक नया वो भी न्यू बनेगा हम अंडरस्टैंड करते हैं कैसे। हमने कल बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखी थी ऑफ द करना है रेप्लिकेट हमें उसके बाद क्या चाहिए हमें एंजाइम्स चाहिए और वो एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होती हैं डीएनए रेप्लिकेशन में देयर व्हाट देयर योर डीएनए हेलीकेस योर डीएनए पॉलीमरेज एंड योर डीएनए लाइकेस अभी तक हमने हेलीकेस का रोल देख लिया हेलीकेस का क्या रोल है कि वो पैरेंटल डीएनए को जो अनज़िप uh, करता है अनवाइंड करता है ताकि हमारे पास टू डिफरेंट टेंपलेट स्ट्रैंड्स आ जाएं वी हैव सीन द रोल ऑफ

तो हमें एक न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करने के लिए या उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में उसको लाने के लिए उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है एटीपी है सो वी नीड एटीपी इन ऑर्डर टू मेक दिस न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेटेड

एक नया स्ट्रैंड बनाना है और यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड बनाना है तो ये जो स्ट्रैंड है वो किससे बना हुआ होगा वो बेसिकली बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जिनसे बना हुआ होगा अब हमारे पास सिस्टम में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे पास एक एंजाइम होती है डी पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज जो होती है वो एक ऐसी एंजाइम होती है जो तो आती है और अटैच करती है खुद को अपने थ्री प्राइम एंड पे थ्री प्राइम एंड के पास वो होती है इस तरह से वो खुद को अटैच करती है एंड वो करती है क्या है कि हमारे पास वो एक्टिवेटेड जस्ट मूव्स ये मूव करती जाती है करती जाती है करती जाती है एंड एज इट इज मूविंग ये क्या फॉर्म करती जाएगी अपने बीच में एक पूरी शुगर फॉस बैकबोन ऑफ द न्यू टेम्पलेट स्ट्रैंड सॉरी शुगर फॉस बैकबोन ऑफ द न्यू स्ट्रैंड बनाती जाएगी सो बेसिकली द डीएनए पॉलिमर इज बेसिकली ब्रिंग्स और इट कनेक्ट्स द न्यूक्लियोटाइड्स वो न्यूक्लियोटाइड्स को लाती है कौन से न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स फॉर एग्जाम्पल इस पेरेंटल डीएनए का मैं कोड लिख देती हूँ इस पेरेंटल डीएनए का कोड है ए सी टी जी जी सी ए टी टी जी

और वो उनके बीच में टेम्प्ररी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा के इस पुराने वाले स्ट्रैंड से अटैच कर देगी सो एज दिस डीएनए पॉलीमरेज मूव्स यहाँ पर हमारे पास कौन सा न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा सी वाला न्यूक्लियोटाइड आ गया फिर ये आगे मूव करेगी यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड इंट्रोड्यूस करवा देगी देन इट विल फर्दर मूव

और ये ऐसे मूव करते करते पूरा एक स्ट्रैंड बना देगी जिनके बीच में क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेक्ट तो इस तरह से आपका एक न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा ठीक है थिंग हमारे पास जो तो ये न्यू स्ट्रैंड बना है आपके सामने इसका आप मुझे डायरेक्शन बता सकते हो व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दिस न्यू स्ट्रैंड Is it a 5 prime to 3 prime strand that we formed or is it a 3 prime to 5 prime strand? Very good. So it is a 5 prime to 3 prime strand. Correct. So this is your 5 prime to 3 prime. अब आपने नोटिस किया होगा कि स्मूथली हमारे पास जो अनजिपिंग हुई है डीएनए की हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ डीएनए है या जो अनजिप कर रहा है यहाँ पे बेसिकली है वो अनजिप करता जा रहा है डीएनए को और जैसे जैसे हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल अनजिप होता जा रहा है वैसे वैसे जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड के सामने लाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करवा रहा है नाउ वन थिंग हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज है उसका एक अपना डायरेक्शन है वो जो नया स्ट्रैंड सिंथिसाइज करती है डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज द स्ट्रैंड इन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन

तो अब होगा क्या कि अब हमारे पास देयर इज एन इशू एंड द इशू इज कि हमेशा प्राइम प्राइम टू मूवमेंट होगी अब जो डीएनए है वो क्या करेगी वो बेसिकली वेट करेगी दूसरे एंड पे कि हमारे पास एक सबस्टेंशनल अमाउंट ऑफ अनजिपिंग हो जाए हेलीकेस की ठीक है और वो जाएगी और वो उल्टी साइड से यानी हमारे पास जो अनजिपिंग हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है अनजिपिंग हमारी इस डायरेक्शन में हो रही है करेक्ट लेकिन डीएनए पॉलीमरेज ऑन द अदर साइड किस तरह से मूवमेंट करेगी या किस तरह से डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में करेगी क्यों वो इसलिए करेगी क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज अ न्यू स्ट्रैंड ओनली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हिच इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो अगर उसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला बनाना है तो वो सीधा यूनी बना सकती 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड इट हैज टू फॉर्म इट

क्या कहते हैं फ्रेगमेंट्स में डीएनए रेप्लिकेशन होती है उसको हम क्या बुलाते हैं उसको हम बुलाते हैं डिस कंटिन्यूस रेप्लिकेशन एंड वाई सो इट इज बिकॉज़ हमारे पास एक कंटिन्यूटी नहीं है यहाँ पर जो हमारा स्टैंड बना था

तो ये हमारे पास फ्रेगमेंट्स हैं, थोड़े थोड़े ब्रेक्स हैं। इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बुलाते हैं इन फ्रेगमेंट को हम बुलाते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंस दीज फ्रैगमेंस आर योर ओकाजाकी की ऑब्वियसली हमारा डीएनए मॉलिक्यूल जो है जो नया बनेगा उसमें बीच बीच में ऐसे बल्जेज या ऐसे फ्रेगमेंस तो होंगे नहीं दीज बी फुलफिल्ड तो हमारे पास वंस द रेप्केशन इज कम्प्लीट तो हमारे पास बेसिकली एक और एंजाइम होती है जिसका काम होता है जोड़ने का पहले तो वो पूरी शुगर बैकबोन का ओकाजा की फ्रेगमेंट है उनको भी जोड़ के एक कंटिन्यूस शक्ल दे देती है और वो एंजाइम क्या होती है वो एंजाइम हमारे पास होती है जी एन ए लाइगेज डी एन ए लाइगे रिस्पॉन्सिबल फ्रेगमेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो रोल होता है वो ये ज्वाइनिंग होती है ओकाजा की फ्रेगमेंस की अच्छा जी हमारे पास जहाँ डिस्कंटिन्यूस रेप्लीकेशन हो रही है उस ट्रेंड को हम लोग बोलते हैं लैगिंग ट्रेंड जैसे हम अपनी नॉर्मल रोजमर्रा की जबान में अगर हमारी स्क्रीन लैप कर रही होती है इसका मतलब है कि हमारे पास कंटिन्यूसली स्क्रीन शो केस नहीं हो रही या कंटिन्यूसली हमारे पास इंटरनेट सप्लाई नहीं है तो हमारे पास जब भी वो क्या कहते हैं कोई ग्लिच होगा कोई बल्ज होगा कोई फ्रेगमेंट होगा कोई कंटिन्यूटी एरर होगा उसको हम क्या बुलाते हैं लैग कर रही है कोई चीज तो हमारे पास जिस स्ट्रैंड में वी अ अंटिन्यूस रेप्लीकेशन दैट स्ट्रैंड वुड बी लैगिंग स्ट्रैंड ओके एंड ऑन द कॉन्ट्री वी हैव व्हाट वी हैव Continuous replication, तो जो strand हमारे पास continuous replication से हो रहा है, बन रहा होता होता है है बन उसको हम कहते हैं दिस इज बेसिकली योर एंटायर प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लीकेशन जिसमें सबसे पहले किसका रोल होता है किस एंजाइम का उसमें सबसे पहले रोल होता है डीएनए हेलिकेस का डीएनए हेलिकेस आकर आपके डीएनए मॉलिक्यूल को अनजिप करती है अनवाइन करती है बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स देन कम्स द रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग द कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइट स्ट्रैंड तो पेरेंटल स्ट्रैंड पे जाती है पेरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जाती है

Obviously, a DNA molecule has to not have fragments. It has to be a complete solid structure. So these fragments are filled uh, are basically filled by the role of DNA ligase. DNA ligase basically joins all these Okazaki fragments together into a one unit. And henceforth, by the by the action of helicase, polymerase, and DNA ligase, we form our new DNA strands. Because our pass <laughs> a semi-conservative process. Why? Because every new molecule. एक स्ट्रैंड पेरेंटल डीएनए से आ रहा होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड होगा इज दिस क्लियर